हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो बच्चों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज समझा देता हूँ मैं, इक्विलिब्रियम होता क्या है। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था चीज के बारे में, इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन होती है बच्चे जहां पर एक कंज्यूमर अपना मिनिमम एक्सपेंडिचर करके ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करना चाहता है, वो कंडीशन होती है। ठीक है, डेफिनेशन में कहता है द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन विद हिज गिवन इनकम एट एंड मार्केट प्राइस। जो उसकी इनकम होती है और उस मार्केट प्राइस पे ही प्लान्स हिज एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। वो अपने एक्सपेंडिचर को, खर्चों को अलग अलग गुड्स के ऊपर प्लान करता है। ठीक है भी, इन सच ए मैनर दैट ही मैक्सिमाइज हिज टोटल सेटिस्फेक्शन। वो इस तरीके से प्लानिंग करता है अपने सारे सारे उसको एक्सपेंडिचर की कि उसको ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, जो कंडीशन आएगी ना जिस पॉइंट पे उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं हम लोग कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब जो हमारे पास एमयू हमें मिलती है, जैसा आप सभी जानते हैं एमयू के बारे में कि मार्जिनल यूटिलिटी होती है हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन। जो डिफरेंट लेवल्स पे हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन होती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। उसका एनालिसिस करेंगे यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यहाँ पे हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी स्टेज आती है, ऐसी कौन सी कंडीशन आती है, ऐसा कौन सा पॉइंट आता है जहाँ पे एमयू के साथ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है बच्चे, हमें इसको पढ़ने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, दो सिचुएशंस आएंगी, टू डिफरेंट सिचुएशंस हैं। पहली है जब एक सिंगल कमोडिटी के कंज्यूम की जाएगी, जब कंज्यूमर एक सिंगल कमोडिटी को कंज्यूम करेगा या फिर वो एक साथ दो कमोडिटी को कंज्यूम करेगा। ठीक है, हमारे पास वो दो केसेस आने हैं, उन दो के बारे में हम लोगों को यहाँ पर सीखना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग अपने पहले सिंगल कमोडिटी केस के साथ कहता है परचेज ऑफ द कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। अब जो लोग हम लोग जो कमोडिटी खरीदेंगे ना, वो सिंगल हो या डबल हो, कोई भी हो बच्चे, वो दो कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि कमोडिटी का प्राइस क्या है। अब आप लोग मार्केट में जाएंगे, कुछ भी सामान खरीदेंगे तो क्या करते हैं बच्चे, उसका प्राइस तो चेक करते हैं, प्राइस चेक करते हैं ना उसका, कि भाई वो हम खरीद सकते हैं या नहीं है। खरीदने से पहले हर एक का प्राइस चेक होता है। ठीक है, और दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी, कि एक कमोडिटी से, उस कमोडिटी की एक यूनिट से हमें मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिलती है, एमयू कितना मिलता है, वो भी चेक करते हैं। ठीक है, दो पॉइंट हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे। ये तीसरा नया पॉइंट इंट्रोड्यूस होता है यहाँ पे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी। अभी मनी की मार्जिनल यूटिलिटी कौन सी आई भाई, देखो बच्चे एक चीज बताता हूँ आपको, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है कि मनी की उस यूनिट से, मनी की उस सिंगल यूनिट से हमें कितनी एमयू मिलती है। आप लोगों को पता है, आप सोचते होंगे सर बताओ पैसे से सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलती है, बताओ भाई क्यों नहीं मिलती। अगर पैसे से सेटिस्फेक्शन ना मिलती तो आप क्यों जॉब करते, पैसे से सेटिस्फेक्शन मिलती है, आप क्यों सेविंग्स करते हैं, क्यों इन्वेस्टमेंट करते, ठीक है, क्यों बैंकों में जमा करते, पैसे से सेटिस्फेक्शन मिलती है लेकिन औरों की तरह नहीं मिलती। जैसे किसी भी अलग कमोडिटी से जो कंज्यूमेबल होती है वहां पे एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लागू हो जाता है, मनी के ऊपर वो लागू नहीं होता। यहाँ से मिलती है हमें कांस्टेंट, कांस्टेंट एमयू मिलती है। जितना पहली यूनिट से मिलेगा मनी की, उतना ही लास्ट यूनिट से मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ, अगर मेरे पास पांच पैसे हैं, मेरे पास पांच पैसे हैं, मैं पैसे पैसों की बात कर रहा हूँ, मुझे रुपए की बात नहीं कर रहा, मेरे पास पांच पैसे हैं, एक पैसे से मुझे चार यूटिल्स मिल रहे हैं, एक पैसे से मुझे चार यूटिल्स मिल रहे हैं, तो आने वाले नेक्स्ट फोर पैसे जितने बच गए उनसे भी हमें कितने मिलेंगे, उनसे भी चार चार ही मिलेंगे। ठीक है, तो टोटल मेरे पास यूटिल्स कितने मिलेंगे, मेरे को पांच पैसों से मुझे मिलेंगे 20 यूटिल्स। ठीक है, ये इसका एक अजम्पशन है कि भी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होती है वो कॉन्स्टेंट रहेगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं बच्चे ये वर्थ ऑफ मनी भी होता है, कि मनी की वैल्यू कितनी है, जो मनी हमारे पास यूनिट यूनिट में है, उसकी जो यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, एग्जांपल के लिए बात करते हैं, कोई हम हमारे पास एक रुपए, इफ अ रुपी कैन बाय 100 ग्राम शुगर, 20 ग्राम राइस, 30 ग्राम वीट, जितना वो कंज्यूम करता है ना बच्चे, उसको हर बार एक यूटिल्स मिलते हैं, फोर यूटिल्स विद द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज टेकन एज फोर, कहते हैं उसको चार यूटिल्स मिलते हैं हर बार कंजम्पशन से। ठीक है,
उस कंजम्पशन को जो उसने मार्जिनल यूनिट ऑफ मनी ले ली वहां पर, वो ले ली 4 की, ठीक है। इसी पॉइंट पे आप लोग सीखना देखना, मैंने एक एक पॉइंट भी बचे साथ में, ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब करते हैं हम लोग अपना सिंगल कमोडिटी के केस में, हम लोगों ने फैक्टर सीख लिए हैं, फैक्टर देख लिए हैं, अब सिंगल कमोडिटी के केस में करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास शेड्यूल है उसका वन कमोडिटी केस का। एक पॉइंट याद रखना पहले कि जो चार यूटिल्स है इक्वल टू अजम्पशन ही एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, 4 utils इक्वल टू 1 rupee, वो कुछ भी आपके लिए कुछ और हो सकता है, मैं सिर्फ जो हमारे पास एग्जांपल उसके लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास यूनिट ऑफ कमोडिटी है MUX है, ठीक है भाई, कितने utils मिल रहे हैं। आगे मुझे निकालना है उससे MU इन टर्म्स ऑफ रूपी या फिर MU ऑफ मनी निकालना है। जब पहले यूनिट कंज्यूम की तो utils मिले 20, दूसरी की तो 18 मिले, तीसरी की तो 16 utils मिले, चौथी की तो 10 मिले, पांचवी की 0, छठी आगे जाके वो माइनस पे चली गई हमारे पास कंडीशन, ठीक है, -5 चली गई। अब देखो आपको पता है उसने पहली यूनिट कंज्यूम की थी और हमने लिखा था एक यूटिल्स कितने रुपए पे मिलते हैं, वो सॉरी चार यूटिल्स कितने में मिलते हैं, 1 rupee पे, ठीक है। चार यूटिल्स कितने में मिलते हैं, 1 rupee पे, मतलब उसको यूटिल्स कितने मिले पहली की यूनिट कंज्यूम करने पे, 20, कितने मिले बच्चे, 20 मिले। तो हम लोग देखेंगे उसने कितने रुपए खर्च किए, उसने कितने रुपए खर्च किए, 20 divided by 4 कितने रुपए खर्च किए, 5 रुपए खर्च किए। आगे 18 divided by 4 4.5, आगे 16 divided by 4 कितने कितने बच्चे 4, आगे 10 divided by 4 2.5, ऐसे ही बाकी वाले देख लेना बच्चे। अब एक चीज देखना, 5 रुपए खर्च किए 4 रुपए की सेटिस्फेक्शन मिली, सॉरी 4 रुपए खर्च किए 5 रुपए की सेटिस्फेक्शन मिली, कहीं ना कहीं वो फायदे में रहा। और इक्विलिब्रियम कंडीशन ऐसी है बच्चे जहां पर दोनों चीजें बराबर रहे, मैक्सिमाइज रहे, ठीक है। वो 4 रुपए खर्च किए उसने, ठीक है, 4 रुपए खर्च किए 5 रुपए की सेटिस्फेक्शन मिली है, तो वो खर्च करना चाहेगा यहाँ पर, लेकिन इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन सरप्लस कंडीशन में है वो, ठीक है। 4 रुपए खर्च किए 5 रुपए की सेटिस्फेक्शन मिल रही है उसको। अगले पॉइंट पे जब दूसरी यूनिट कंज्यूम करेगा, 4 रुपए खर्च कर रहे हैं 4.5 रुपए की वो सेटिस्फेक्शन ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी वो सरप्लस की कंडीशन में रहेगा, कौन कंज्यूमर रहेगा। अगली बार जब जैसे ही वो थर्ड यूनिट कंज्यूम करेगा, 4 रुपए खर्च कर रहे हैं और 4 रुपए की ही सेटिस्फेक्शन उसको मिल रही है, मतलब यहाँ पर वो ना फायदे में ना घाटे में लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन में यहाँ पर वो आ चुका है। ऊपर वाली दोनों कंडीशन वो सरप्लस की कंडीशन थी। अगली बार देखना वो 4 रुपए खर्च कर रहे हैं और उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है 2.5 रुपए की, उसका क्या हुआ नुकसान, तो यहाँ पर वो डेफिसिट में घाटे में चला जाएगा, तो यहाँ पर वो खर्च करना नहीं चाहेगा। आगे वो 4 रुपए खर्च कर रहा है उसको मिल कुछ नहीं रहा, आगे वो 4 रुपए खर्च कर रहा है और मिल उसको रहा है -1.25, मतलब जो 4 रुपए खर्च कर रहा है 4 रुपए की सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो पॉइंट है हमारे पास एग्जैक्ट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, और दोनों ऊपर वाले और नीचे वाले, ऊपर से हमारे पास एक सरप्लस था और एक डेफिसिट का, ठीक है। ये हमारे पास इसका एक शेड्यूल था, याद रखना यही मैंने यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, देखो सब जो MU ऑफ M है हमारी 4 4 4, ये सब के लिए इक्वल थे, ठीक है। अब इसका डायग्राम देखते हैं, देखो बच्चे हमारे पास वाई एक्सिस पे हमारी यूटिलिटी है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है कंजम्पशन ऑफ द कम्युनिटी है, ठीक है। आपको एग्जांपल पर करके समझा रहा हूं मैं, जहां पर कंडीशन देखना एक प्राइस के बाद जो हमारे पास कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी है एक्स एक्सिस पे, यहाँ पर देखना एट पॉइंट आर, आर पॉइंट पे क्या हो रहा है बच्चे हमारे, कि आर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कंज्यूमर जितने उसको यूटिल्स मिल रहे हैं और जितना वो खर्चा कर रहा है, ठीक है, जितना वो खर्चा कर रहा है और जितने यूटिल्स उसको मिल रहे हैं, दोनों पॉइंट यहाँ पर मिलते हैं। और ये MU ऑफ M सबके लिए क्या है बच्चे कॉन्स्टेंट है, ठीक है, सबके लिए कॉन्स्टेंट है। यहाँ पर तीनों पॉइंट इक्वल हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या पॉइंट बनता है हमारे पास पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बनता है। अब एक चीज देख लेना बच्चे आप इसमें साथ में, कि जैसे जैसे ये आपकी कर्व भी है बच्चे जो ऊपर वाई एक्सिस से नीचे एक्सिस की तरफ आ रही है, कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है, वो तो आप लोगों को पता ही है कि जैसे जैसे जो हमारा लॉग डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी था उसमें क्या होता है बच्चे हमारी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। MUX देख लेना आप यहाँ पे, MUX का मतलब क्या बच्चे MU मार्जिनल यूटिलिटी और X वो कम्युनिटी का नाम है, ठीक है, इतना सा पॉइंट क्लियर रखना आप लोग, ठीक है। ये था आपका वन कम्युनिटी का केस। अब हम अगर इसमें बात करते हैं टू कम्युनिटी केस की, देखो टू कम्युनिटी केस में क्या होता है देखते हैं बच्चे, देखो हमारे पास आता है फिर टू कम्युनिटी केस। यहाँ पर क्या होता है बच्चे कि यहाँ पे एक साथ कंज्यूमर के पास
कंज्यूमर के पास, जब कंज्यूमर एक कमोडिटी को कंज्यूम करता है तब सिचुएशन क्या रहती है, वो चीज हम लोग कर चुके हैं। जब वो 2 यूनिट कंज्यूम करेगा, जब उसके पास 2 यूनिट्स की ऑप्शन होगा, तब वो इक्विलिब्रियम में कैसे रहेगा, उसको हम लोगों को यहाँ पर सीखना है। ठीक है, कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं यहाँ पे। देखो, एक तो दोनों गुड्स का प्राइस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये बेसिक अजम्पशंस है कि दोनों यूनिट्स का प्राइस, दोनों गुड्स का प्राइस, एमयू ऑफ एक्स, एमयू ऑफ वाई, एक्स और वाई दो गुड्स हमारे पास, दोनों के प्राइस क्या होने चाहिए बच्चे, यहाँ पर सेम होने चाहिए। ठीक है, आगे देखो, जब वो पहली यूनिट कंज्यूम करेगा, जब वो पहली यूनिट कंज्यूम करेगा, उसको एक्स से मिल रहे हैं 25 यूटिल्स और दूसरे से मिल रहे हैं 30 यूटिल्स, तो वो कौन सी कंज्यूम करना चाहेगा, ज्यादा कौन से मिल रहे हैं, 30 से ना, वाई से मिल रहे हैं, तो पहली कौन सी कंज्यूम करेगा, वो 30 वाली, कौन सी करेगा बच्चे, 30 यूटिल्स वाली, पहली यूनिट वो कंज्यूम कर चुका है। जब वो दूसरी यूनिट कंज्यूम करेगा, जब वो दूसरी यूनिट कंज्यूम करेगा, तो उसके पास ऑप्शन क्या है बच्चे, वो आप लोग सोचेंगे कि वो दूसरी यूनिट पे आप सीधे सेकंड लाइन पे आ जाएंगे, या तो 20 वाली या 25 वाली, लेकिन बच्चे जो पहली यूनिट की एमयू एक्स थी, वो तो उससे तो 25 ही मिल रहे थे, वो तो अभी भी ऐसे ही रहती है, वो तो अभी भी ऐसे ही रहती है। जब वो दूसरी यूनिट कंज्यूम करेगा, उसके पास एमयू एक्स की पहली यूनिट जिसमें उसको 25 मिल रहे हैं, एमयू वाई की दूसरी यूनिट जहां उसको क्या मिल रहे हैं बच्चे, 25 मिल रहे हैं, दोनों से यहां पर वो बराबर कंडीशन में पहुंच जाएगा, दोनों की यहां पर वो एक इक्वल लेवल ऑफ कंजम्पशन में पहुंच जाएगा। यहां पर कौन सी सिचुएशन अराइज होगी बच्चे, यहाँ होगी सिचुएशन इक्विलिब्रियम की, दोनों से उसको बराबर मिल रहे हैं। अब यहाँ पर वो किसी से भी खर्चा कर ले, यहाँ पर वो किसी भी वस्तु पर खर्चा कर ले, तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये कंडीशन आती है। और बेसिक अजम्पशन यहां पर आप लोग बिल्कुल लेके चलना, बेसिक अजम्पशन यहां पर लेके चलना कि दोनों गुड्स के प्राइस क्या होंगे, यहां पर इक्वल होंगे, दोनों के प्राइस अजम्पशन में लिए हैं बच्चे, यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू प्राइस ऑफ वाई इक्वल टू 1 रुपी पर यूनिट। ठीक है, और साथ में एमयू ऑफ एक्स इक्वल टू एमयू ऑफ वाई इक्वल टू एमयू ऑफ एम के तीनों से मिलने वाली मार्जिन यूटिलिटी वो क्या है हमारी, इक्वल होगी, सेम होगी। ठीक है, इस एग्जाम्पल को आप लोग दोबारा से करा देता हूँ। जैसे ही वो पहली यूनिट कंज्यूम करेगा, तो जहां से ज्यादा यूनिट्स मिल रहे होंगे, यूनिट्स मिल रहे होंगे, उस पर वो खर्चा करेगा। अगली बार जब दूसरी यूनिट कंज्यूम करेगा बच्चे, उसके उसके पास ऑप्शन आएगा, देखो वाई की पहली तो कर चुका है वो, लेकिन एक्स की पहली तो अभी तक नहीं हुई, अब वो आता है वाई की दूसरी वाली पे, वो तो मतलब एक्स की पहली और वाई की दूसरी, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन है, और दोनों से मिलने वाली यूनिट्स कैसे है, यहाँ पर सेम है, तो वो खर्चा किसी पर भी कर ले, तो उसका कोई भी इश्यू नहीं बचता इस चीज में। ठीक है, दोनों पे एक सेम लेवल हो रहा है। ठीक है, आइए इसका हम लोग डायग्राम देखते हैं। देखो बच्चे, डायग्राम देख लेना आप लोग इसका, कि आपके पास एक साइड है एमयू ऑफ एक्स है और एक साइड एमयू ऑफ वाई है। ठीक है, नीचे हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है बच्चे, यहाँ पर देखना दोनों के कर्व बन रहे हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग, दोनों के कर्व यहाँ पर डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहे हैं, लेकिन दोनों की सिचुएशन तो एक ही यूनिट्स पे आके मिल रही है ना बच्चे, दोनों की सिचुएशन जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, जहां पर वो ई पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, क्रॉस ओवर कर रहे हैं, वहां पर हमारा पॉइंट क्या बनता है, वहां पर जो हमें मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है, तीनों से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है वो क्या हो रही है बच्चे, दोनों से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है वो इक्वल हो रही है, या तो वो एक्स पे खर्चा करे या फिर वो वाई पे खर्चा करे, उस चीज का कोई भी इशू नहीं है, तो वहां पर हमारा पॉइंट क्या बन जाता है बच्चे, वो पॉइंट बन जाता है हमारे पास वहां पे इक्विलिब्रियम का पॉइंट बन जाता है, टू कमोडिटी के केस में। यहाँ पर वन कमोडिटी और टू कमोडिटी में इतना ही केस डिफरेंस है, वहां पर वन में वो सिंगल कमोडिटी होती है कंज्यूम करने के लिए उसके पास, और टू में उसके पास होता है ऑप्शन, उसी ऑप्शन में हमें जो बेटर चीज है उसको हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। आप ही तो देखते हैं, मार्केट में जाएंगे, एक चीज ये देखेंगे, साथ में उसका ऑप्शन भी देखेंगे, कौन सा अच्छा है, कौन सा लेना है। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग कंजम्पशन यहाँ पर होती है। ठीक है, ये इसका बड़ा बेसिक सा डायग्राम था बच्चे, आप उम्मीद करता हूँ आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। आगे आप देखते हैं कि ये सिस्टम लागू कब होता है। ठीक है, कुछ अजम्पशंस होती है इसके लिए हमारे पास, अजम्पशंस देखते हैं, अजम्पशन है कुछ कंडीशंस है। पहले कहता है कि यूटिलिटी इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन कार्डिनल नंबर। अजम्पशन यहाँ पर क्या है बच्चे, वन कमोडिटी केस में और टू कमोडिटी केस में, के जो यूटिलिटी है उसको सिर्फ और सिर्फ कार्डिनल नंबर्स में मेजर किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कॉन्स्टेंट, एमयू ऑफ एमबी क्या, एमयू एमयू ऑफ एमबी क्या होगी बच्चे, यहाँ पर कांस्टेंट होगी। आगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्स गुड्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू है वो यहाँ पर इंप्लीमेंट होना चाहिए। और तीसरा द कंज्यूमर बिहेवियर इज रैशनली,
एंड एम्स एट मैक्सिमाइजिंग सेटिस्फेक्शन। जो कंज्यूमर का बिहेवियर है ना, बिल्कुल रैशनल होना चाहिए। ये नहीं कि भी उसको एक ही चीज पसंद है, नहीं, उसको वो चीज पे खर्चा करना चाहिए। यहाँ पे ऐसी चीजें व्यवस्था खर्चा करे जहां उसको सबसे ज्यादा क्या मिले, सेटिस्फेक्शन मिले, तभी ये चीजें फंड कमिटी और कमिटी केस का जो लॉ है वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा। ठीक है, अब बच्चे एक चीज और देखना, यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी रहते हैं इसके। जो वन कमिटी और टू कमिटी केस रहता है ना, इससे कुछ लिमिटेशन भी है, और सबसे बड़ा लिमिटेशन एक ही है बच्चे, कि हम अपने जो यूटिल्स मिलते हैं, हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसको सिर्फ और सिर्फ कार्डिनल नंबर्स में मेजर कर पाते हैं। ठीक है बच्चे, ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है इस चीज की, और हमें ये एक अजम्पशन है, इसको फॉलो भी करके चलना पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चे ये आपका आज का टॉपिक था। ठीक है, आशा करता हूँ आपको आज का टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। फिर भी कुछ प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले बच्चे। जैसे ही मैं कोई नई वीडियो लेके आऊंगा, आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।